सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज के एपिसोड की शुरुआत होगी, जहां सई अपने काका से बात कर रही है। सई के काका विजेंद्र सई से पूछते हैं कि उसकी नई जिंदगी कैसी चल रही है, तो सई कहती है कि ठीक ठाक चल रही है। सई के काका कहते हैं कि जब दिल कहीं और दिमाग कहीं और होता है तो सब कुछ ठीक ठाक ही चलता है। वो आगे कहते हैं कि सई तुम आगे नहीं बढ़ी हो, विराट को तुम अभी भी भूल नहीं पाई हो। सई अपने काका से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उसके काका कहते हैं कि मैं तुम्हें छोटे से जानता हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, कैसे तुम विराट के नाम से व्याकुल हो जाती हूँ, और आज जब उसे चोट लगी तो तुम कितना परेशान थी, मैंने सब देखा है। सई के काका उससे कहते हैं कि क्या तुम और विराट अब भी। तभी सई बीच में उनकी बात काटते हुए कहती है कि काका ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप खाने पर कब आएंगे। तभी काका कहते हैं कि तुम कहो तो आज आ जाता हूँ, और फिर काका के सई के घर आज खाने का प्लान फिक्स हो जाता है। वहाँ सई हॉस्पिटल से अम्बा को कॉल करती है कि आज उसके काका खाने पर आएंगे, वो भी काम खत्म करके जल्दी आ जाएगी। अम्बा कहती है कि सई तुम इतना लेट बता रही हो, पहली बार तुम्हारे मायके से कोई घर पर आने वाला है, कितनी सारी तैयारी करनी होगी। उसके बाद अम्बा वाहिनी और सभी लोगों से कहती है कि आज पहली बार बहू के घर से कोई आ रहा है, खूब सारा खाना बनाना है, चलो तैयारी करते हैं। सई के काका के आदर सत्कार और स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सई घर आती है, देखती है कि अम्बा ने सई के काका के स्वागत में बहुत सारे पकवान बना रखे हैं। सई अम्बा से कहती है कि आई बस मेरे काका आने वाले हैं, आपने तो इतना सारा खाना बना दिया है। इसके बाद सई के काका उसके घर आते हैं, वो सबसे मिलते हैं और जैसे ही सत्या को गले लगाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा एहसास होता है। वो सत्या से कहते हैं कि तुमसे गले लगते ही बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आई है, ऐसा लगता है कि किसी अपने से मिल रहा हूँ। सत्या भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही एहसास हुआ है। इसके बाद जैसे ही अम्बा किचन से ड्राइंग रूम सई के काका से मिलने आने लगती है तो वो काका को देख लेती है। काका को देखते ही अम्बा एकदम घबरा जाती है। अम्बा किचन के दरवाजे पर ही एकदम सुन खड़ी रह जाती है। बेहद घबराई हुई अम्बा सई के हाथों में सोल कड़ी की ट्रे देकर दोबारा किचन में भाग जाती है। सई अम्बा का ऐसा रिएक्शन देखकर चौंक जाती है। तभी सत्या उसे आवाज लगाता है और काका को सोल कड़ी सर्व करने को कहता है। उसके बाद सत्या कहता है कि आई कहाँ रह गई, वो ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी काका से मिलने के लिए। सई अम्बा को बुलाने किचन में जाती है। सई किचन में जाती है तो देखती है कि अम्बा सहमी हुई सी एक कोने में बैठकर रो रही है। सई पूछती है कि आई आपको क्या हुआ है, तभी अम्बा कहती है कि अपने काका से कहो कि वो यहाँ से चले जाएं और सत्या से उनको दूर रखना। सई कहती है कि वो मेरे काका हैं, आई मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकती हूँ, और आप सत्या को उनसे दूर रहने के लिए क्यों कह रहे हैं। अम्बा तब सई को बताती है कि उसके काका विजेंद्र ही सत्या के पिता है। सई ये सच जानकर एकदम चौंक जाती है। वहीं ड्राइंग रूम में सत्या विजेंद्र काका से अपनी आई की और उनके बिजनेस की तारीफ करते हैं। अम्बा की तारीफ सुनकर सई के काका कहते हैं कि तुम्हारी आई को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे मिलना मेरा सौभाग्य होगा। वहीं अम्बा सई के आगे गिड़गिड़ा रही है कि तुम उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दो, तो सही कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। अम्बा सही से कहती है कि तू कैसी बातें कर रही है, वो मेरे बेटे के बाबा है, मैं उन्हें कैसे नहीं पहचान पाऊंगी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, तू बस उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दे वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, सत्या को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि वो उसके बाबा है। सई बाहर अपने काका के पास आती है और कहती है कि आई किचन में थोड़े काम में बिजी है, इसलिए थोड़ी देर में आएगी। तभी विजेंद्र का कॉल आता है और सई के काका को किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। सई के काका के जाने के बाद अम्बा और सई कमरे में एक दूसरे से बात करते हैं।
अम्बा सई से कहती है कि जब मुझे उनकी जरूरत थी तो वो लौट कर नहीं आए, वो मुझे प्रेग्नेंट छोड़कर चले गए थे। आज जब सब कुछ सही है तो भगवान ने उन्हें मेरे पास क्यों भेजा है, अब मैं खुश हूँ अपने परिवार के साथ। वहीं चौहान हाउस में विराट के घर पुलिस आती है, पुलिस पत्र लेखा के खिलाफ अरेस्ट वारंट लेकर आई है।